नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वॉचमैन के पद की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो दोस्तों, यदि आप केवल और केवल 8वीं पास हैं और भारतीय खाद्य निगम में परमानेंट जॉब पाना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक बड़ा मौका हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय खाद्य निगम ने वॉचमैन के लिए 380 पद की भर्ती के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में और इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एप्लीकेशन फीस के बारे में, इम्पोर्टेंट डेट, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद हेमराज में। तो चलिए दोस्तों, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वॉचमैन के पद की भर्ती के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला है। इसके बाद आपको यहां पास कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। तो पोस्ट निकाली गई है वॉचमैन की और सैलरी रहेगी 23,300 रुपये से लेकर 64,000 रुपये पर मंथ। मिनिमम एज 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज 25 साल रखी गई है। यहाँ आपको कुछ एज में छूट भी मिल जाएगी। यहाँ एससी कैटेगरी के लिए 72 पोस्ट हैं, एसटी के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। एसटी वाले इसके लिए अप्लाई नहीं करें। इसके बाद ओबीसी के लिए 102 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 38 और जनरल कैटेगरी वालों के लिए 168। टोटल 380 पोस्ट निकाली गई हैं वॉचमैन के लिए। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों, यदि आप वॉचमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 8वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद यदि आप सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5वीं पास तो होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप 8वीं और 5वीं पास हो चुके हैं तो आप इन दोनों पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास सिलेक्शन प्रोसेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपका यहाँ पास सिलेक्शन दोस्तों रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। आपसे 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 90 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इन सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये वॉचमैन का सिलेबस है, ये वॉचमैन का सिलेबस है, ठीक है, वॉचमैन की पोस्ट का सिलेबस है। यदि आप सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका सिलेबस आप देख सकते हैं। 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। अब फिर बेसिक यहां पास पूछा जाएगा। अब सिक्योरिटी गार्ड में 5वीं पास तो मांगा गया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा आपसे, जोड़ घटाना गुणा भाग आपसे यहाँ पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज, स्पेलिंग आपसे पूछी जाएगी, स्पेलिंग करेक्शन, पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाएगा और बेसिक इंग्लिश, कंट्री और भारत देश के बारे में कुछ पूछ लिया जाएगा। एकदम बेसिक पूछा जाएगा, ठीक है, कोई भी टफ नहीं रहेगा, आप इसको इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पास, यहाँ कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती, आप नोट कर लीजिएगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, दौड़ होगी आपकी। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं वॉचमैन की पोस्ट के लिए, ओके। 1000 मीटर की दौड़ जो है तो आपको 5 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा मेल कैंडिडेट को, और फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट के समथिंग कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद लॉन्ग जंप आपसे करवाया जाएगा और हाई जंप भी आपसे करवाया जाएगा। 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं नॉर्मली, जब जैसे सभी एग्जाम में होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पास इम्पोर्टेंट डेट देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप 20/10/2021 से अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 20 अक्टूबर 2021 से अप्लाई कर सकते हैं और इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 19 नवंबर 2021। यहाँ आपकी फॉर्म फीस 250 रुपये लग रही है, ओके, तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नोटिफिकेशन ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।